हाई एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। सो क्लास 12th का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2nd मार्च को CBSE का, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ, डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले डोंट्स की बात करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के समय, किसी भी एग्जाम में, वो होता है अपनी नींद को सैक्रीफाइस कर देना। अब ये एक नुआंस्ड पॉइंट है, अच्छे से सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप 29 फरवरी को देख रहे हो, है ना, जो आज की डेट है अपलोडिंग की, तो फिर आप को जो लेट नाइट स्टडीज़ करनी है ना, कि आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है, कुछ तो आपको पढ़ना है, तो आज आप रात को पढ़ लो, ठीक है। आज रात को आप उठ सकते हो, जो भी है अपना रेड बुल मॉन्स्टर लगा के जो भी करना है, ठीक है, अगर सिलेबस बचा है तो। 1 मार्च को कोई नहीं उठेगा रात को, ठीक है। जो सिलेबस कंप्लीट करना है अभी कर लो, क्यों, क्योंकि बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। 1 मार्च को रात को उठोगे तो उससे क्या होगा कि अगले दिन एक तो ऑलरेडी प्रेशर होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, इतने सारे बच्चे होते हैं तो एक दिमाग खराब रहता है, और उसमें तुम अगर 4 घंटे ही सोए, 3 घंटे ही सोए, 1 घंटे ही सोए, सोए ही नहीं, बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। पहली बात ये, अगर तुम ये वीडियो 1 मार्च को देख रहे हो तो तुम्हें, और अगर फिर भी तुम्हारा सिलेबस बचा हुआ है, लेट से तुम ये एग्जाम से 10-12-20 घंटे पहले देख रहे हो, तो फिर आप फिर भी कह सकते हो कि थोड़ा कम सो लो, क्योंकि सिलेबस बचा है तो यार सो के क्या, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब 10 घंटे सो रहे हैं, सिलेबस बचा हुआ है तो मतलब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा डेट है, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो अब यहाँ पे 2-3 बातें और हैं। तो एक तो बात हुई ये नींद की, ठीक है। दूसरी बात जो लोग यूजली नहीं फॉलो करते हैं, NCERT बहुत अच्छी बुक है, मैं मानता हूँ, मैं इतने सालों से कह रहा हूँ, मैं JEE मेंस वाले बच्चों को भी कहता हूँ NCERT अच्छे से पढ़ो, लेकिन अभी मैं कहूँगा कि अगर तुमने NCERT अच्छे से नहीं पढ़ रखी ना, अभी मत शुरू कर देना, क्यों, क्योंकि NCERT बहुत मोटी बुक, काफ़ी टाइम लगेगा, तुम पढ़ना शुरू भी करते हो ना नहीं कर पाओगे, पूरी रात उठ जाओगे तब भी नहीं होगी, ठीक है। और NCERT इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है इस समय करना। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि आप पिछले साल के पेपर्स और सैम्पल पेपर्स जो CBSE की साइट पे, उनको लो, उनमें से 1 या 2 पेपर, अगर 29th को देख रहे हो तो 2 पेपर लगाने, अगर 1st को देख रहे हो तो 1 पेपर लगाना है, ठीक है, उसी समय पर लगाने की कोशिश करो 1 मार्च को, और पूरे 3 घंटे बैठो उसको लेके और देखो कि तुम कैसे करते हो, कहाँ पर गलतियाँ होगी, क्योंकि क्या है कि कई बार बच्चे इसलिए गलत नहीं करते पेपर या कम मार्क्स इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको आता नहीं है, इसलिए कम आते हैं क्योंकि उनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा है ना। तो तुम पेपर अटेम्प्ट कर लोगे ना पहले, तुम्हें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे कम टाइम लगता है, तो अच्छा चला जाएगा अपना, ठीक है। एक हुई ये बात, आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है मैंने बता दिया आपको, सैंपल पिछले साल के एक तो, और आपने कहीं नोट्स वोट्स कुछ बना रखे हो वो सब आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उनमें, ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने क्या किया था, मैंने एक तो बुक्स आती हैं गाइड्स वगैरह टाइप्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उनमें क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, तो उससे क्या है कि आपको पता रहता है कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स डाल भी रखी है, आप देख सकते हो उनको, है ना, वहाँ से परचेज कर सकते हो, या अच्छा अभी तो कहाँ से तुम लोग अमेजोन से, तुम जो भी तुम्हारे बुक स्टोर है वहाँ से ले लेना, ठीक है। ऐसा कोई बुक कोई वो नहीं है, मतलब कोई सी भी उनको बोल दो बोर्ड की रिविजन की बुक चाहिए, सारी अच्छी होती हैं, ठीक है। ये हुई एक बात, ठीक है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि लोग गड़बड़ करके आते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं सब लोग, हैंड राइटिंग, भाई संभल जाओ, हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। क्यों, देखो तुम एग्जाम लिख रहे हो ना, ना तुम्हारा टीचर तुम्हें जानता है ना तुम उसे जानते हो, उसको तुम्हारा पेपर देखना है, तुमने जो लिखा उसके बेसिस पे मार्क्स दे देगा। अब कभी उसका मूड खराब होता है, कभी अच्छा होता है, डिपेंड करता है, ये सब कुछ चीज़ें सब्जेक्टिव होती हैं पेपर में, ठीक है, ज़्यादातर नहीं होता है बट कभी कभी हो जाता है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है ना तो थोड़ा ठीक रहता है, मतलब उनका थोड़ा मूड अपलिफ्ट होता है। इसके अलावा मूड की बात नहीं है, ये सब तो ठीक है, ये सब छोटी मोटी बात है, मेन चीज़ ये है कि आपने जो लिखा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या नंबर देगा, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी होगी, उससे क्या कई बार नंबर बढ़ जाते हैं, मतलब 5-6 नंबर मैं तो कहूँगा, स्पेशली इंग्लिश वगैरह में बहुत होता है, अब इंग्लिश तो हालांकि हो गया बट आई वुड नॉट से कि बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता है, तो आप प्लीज़ हैंड राइटिंग अच्छे से लिखिए, नीट लिखिए, ठीक है। चौथी मिस्टेक जो लोग सबसे ज़्यादा करेंगे स्पेशली फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं ना तो उससे एडवांटेज हो जाता है कुछ, कि क्या है कि आप जैसे इंग्लिश या मैथ्स का पेपर देखो तो थोड़े से लेंदी साइड में रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या है कि आपको पूरा बैठ के कैलकुलेट करना है या पूरा लिखना है ऐसे, यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन शॉर्ट टाइप आते हैं उनमें बस फिजिकल फेनोमेना को ही पूछा है, फैक्ट लिखा है पता है तो लिख दिया, और न्यूमेरिकल आते हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर मेनली, या डेरिवेशन आते हैं, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल जिसको आते हैं वो तुरंत करके आ जाएगा, तो टाइम की कमी नहीं पड़ने वाली फिजिक्स में। दिक्कत क्या होगी, बच्चे सही से करके नहीं आएंगे पेपर, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि आपको कोई भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो ना उसमें स्टेप्स अच्छे से लिखो, ये तुम्हारा JEE मेन नहीं है, JEE एडवांस नहीं है, दिस इज बोर्ड एग्जाम, ठीक है। वहाँ पे टीचर को तुमने अगर सही भी कैलकुलेशन किया और तुमने अगर स्टेप नहीं लिखे तो तुम्हें नहीं मार्क्स मिलने वाले, क्योंकि CBSE गाइडलाइन है तो लिखा होता है कि भाई ऐसे ऐसे मार्क्स देने हैं, तुमने नहीं लिखी वो स्टेप 2 नंबर कट, ठीक है। तो ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, ठीक है, आप होशियार हो, सब लोग सब होशियार हैं यहाँ पे, लेकिन स्पेशली अपने चैनल पे तो सब लोग होशियार है ही है,
लेकिन आपको क्या है वहां पे आपको थोड़ा सा डाउन टू अर्थ आना होगा, ठीक है। जेई में दिखाएंगे अपन अपनी होशियारी, पूरे अच्छे से पढ़ रहे हैं उसका मैंने बता ही रखा है, वीडियोस भी बना रखे हैं जेई के लिए कैसे पढ़ना है पैरेलली, ठीक है, देख सकते हो यहाँ डाल रखी मैंने, जहाँ भी यहाँ पे जो भी आएगी, है ना। तो प्लीज स्टेप लिखो, कैलकुलेशन है अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो लिखो कि लेट दिस बी आर वन, लेट दिस बी आर टू, एंड डायग्राम बना दो एक प्यारा सा कि ऐसे ऐसे है सीरीज में है, कि फिर पूरा डेरिवेशन जो भी है स्टेप वाइज लिखो कि लेट अस नाउ पुट आर वन इक्वल टू दिस, आर टू इक्वल टू दिस, और कैलकुलेट करके लिख दो और उसमें मल्टीप्लिकेशन भी शो करो, और फिर मतलब थोड़ा अच्छे से कर दो, ओवरडू नहीं करना है बट करो प्लीज, ठीक है। मोस्टली यही चीज़ें थी, ठीक है, यही कुछ चार पांच चीज़ें बताई थी। क्या क्या था, सबसे पहला सोना अच्छे से, अगर 30th मार्च को, अगर 1st मार्च को देख रहे हो तो फिर भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, कि अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो रात को जगना है वरना नहीं। दूसरी बात क्या कि आपको एनसीईआरटी वगैरह भी मत लगाओ, क्या लगाने पिछले साल के और सैंपल पेपर, ठीक है। दो पेपर्स अगर आप 29 को देख रहे हो, दो पेपर्स पूरी 3 घंटे बैठ के लगाना, 1st मार्च को देख रहे हो तो एक पेपर पूरा बैठ के लगाना, और आपको बाकी पिछले साल के क्वेश्चंस देखते जाने उनके सॉल्यूशंस देखते जाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो रट डालो, जो भी करना है करो, ठीक है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो बट करो, है ना। इसके अलावा फिर मैंने बताया कि हैंडराइटिंग अच्छी लिखनी है और स्टेप्स अच्छे से लिखने हैं, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लोजिंग रिमार्क कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स हैं ना वो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। प्लीज़ अभी खेल मत खेल लेना कोई कि यार, कुछ लोग होते हैं ना करेजियस कि मैं तो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ूंगा, बोर्ड से क्या होता है, सिंगल पीस ऑफ पेपर डज नॉट डिटरमाइन माई फ्यूचर, वो सब ठीक है, वो बाद में सोचना, आप जब बाद में समय है, अभी में ही है वो सब चीज़ें सोचने का समय, ठीक है। अभी प्लीज़ पढ़ लो, मेरी बात मानो, तुम मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे, नहीं भी इच्छा हो रही है पढ़ लो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, 1-1.5 दिन बचा है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। 1-1.5 दिन में पूरी चार्ट जाओ, किताबें जो आती है ना गाइड वाइड की बोर्ड के लिए तैयार, कोई सी भी दुकान में जाओ, बोलो कि बोर्ड के एग्जाम की कौन सी दुकान किताब ज़्यादा बिक रही, ले लो और पूरी चार्ट डालो उसको अच्छे से, ठीक है। अभी नहीं किया दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं मैंने, अपनी अमेजोन की लिस्ट डाल रखी जहाँ पे आप बुक्स वगैरह देख सकते हो, वैसे वहाँ से देख के खरीदना जैसा भी तुम्हें लगे। केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियोज़ भी आएंगी, ठीक है। ड्रॉपर्स के लिए जेई की स्ट्रैटेजी आने वाली है, चिंता मत करना। 11th का क्रैश कोर्स आने वाला है, चिंता मत करना। डिस्क्रिप्शन में, अगर तुमने 12th का क्रैश कोर्स अभी तक नहीं लिया, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा स्टडी मटेरियल है और उससे आपकी जेई की प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट होगी अगर आप अभी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ऑल द बेस्ट भाई, मचा के आना, फोड़ देना। कमेंट्स में लिखो कितने परसेंट और कितने मार्क्स लेके आओगे बोर्ड एग्जाम में, फिजिक्स में कितने मार्क्स लाओगे 100 में से और परसेंटेज कितने लाओगे बोर्ड में, लिखो। क्यों? क्योंकि तुम लिखोगे तो कन्विक्शन लगेगा और तुम उसके लिए सच में एफर्ट करोगे, ठीक है। पसंद आए तो लाइक करना, एंड जो भी होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।